हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू गुरु क्लासेस। चलो, मैथ्स में हमने चैप्टर वन जो स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, उसमें लास्ट में हमने वन एक्सरसाइज 1.5 किया था, बट उसमें एक क्वेश्चन मैंने पेंडिंग रखा था, याद है आपको? ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो पहले उसको आज ख़त्म करते हैं, फिर 1.6 पे जाते हैं। ये क्वेश्चन था रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, चलो तो पहले तो हम उसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर जाके हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनो, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। पहले तो एक काम करो ना, एक रे फाइंड कर लो, एक रे बना दो ऐसे, एक ऐसा रे, ऐसा, ठीक है, एक ऐसा रे बना दी इसको अपने, फिर आपको समझ में आएगा वो क्या सा चीज़ मैंने बनाई है। कितने का रे बनाया आपने? 9.3 का रे बना दिया, जिसका नाम मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, ए एक्स रे। ठीक है, अब इसमें 9.3 का मेजरमेंट कर देते हैं हम, ए से लेके हम जाएंगे, ए से तो टेढ़ा हो गया, ठीक है, 9.3 देख लो, ये हुआ 9 आपके स्केल में, और इसमें 1, 2 और 3 पॉइंट पे लाना है, ये हो गया। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, तो एक और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 9.3 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करना है, बी पॉइंट से और एक सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। कोई भी नंबर रहता है, आपको यही काम करना है, बी पॉइंट से एक सेंटीमीटर आगे जाना है, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 9.3 हो, 10.3 हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ से एक सेंटीमीटर हर एक में करना है, हर एक में एक सेंटीमीटर आगे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक सेंटीमीटर का ये मेजर ले लेता हूँ, एक सेंटीमीटर, इसको मैं बोल देता हूँ सी। तो B और C के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया फ्रेंड्स? 1 का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, राउंडर लेंगे हम, ओके, राउंडर में A और C का मेजरमेंट लेंगे, देखो A से लेके C तक ऐसे, ठीक है, B तक नहीं, C तक, A से C तक, और इसका हम परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखो, यहाँ ऊपर एक आर्क लगा दो, नीचे एक आर्क लगा दो, ठीक है, कहाँ से लिया मैंने? ए से, कितना माप लिया? सी तक का। अब सी पर से पॉइंट रख दो और वापस ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगा दो, ठीक है, फिर ये दोनों जो ए हो गया, क्रॉस हो गया, वहाँ पे आप स्केल को बिठा दो और हल्की सी लाइन बना दो, चलेगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये बीच में, ये पॉइंट, ओके, जिसको सपोज मैं ओ लिखता हूँ अभी, ओ, ये हो गया ए और सी का मिड पॉइंट हो गया, ओ, ए और सी का मिड पॉइंट, ओके, और ये हो गया उसका परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे पॉइंट रखेंगे ओ से और माप लेंगे ए तक का, यहाँ से ऐसा पॉइंट रखेंगे ओ और माप कितना लेंगे? ए तक का, फिर एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ऐसा ऐसा एक सेमी सर्कल बना लेंगे, ऐसा आपको सी तक आ जाएगा एग्जैक्टली, कहाँ तक आएगा? सी तक एग्जैक्टली आ जाएगा, बन गया। अब क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है लेकिन 90 डिग्री पे एक लाइन सेगमेंट बनाना है।
आप कैसे भी बना दो, आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, उसके हिसाब से बना दो। ओके, मैं अभी ऐसे ही बना लेता हूँ, मुझको तो आदत है। ओके, तो अच्छा सा मेरा तो 90 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसका टूल्स का उपयोग यूज़ कर सकते हो, और 90 डिग्री में आपको ऐसा सेमी सर्कल को टच करे वहाँ तक आपको ये लाइन सेगमेंट बनाना है। सेमी सर्कल को टच करे वहाँ तक, और जहाँ भी टच करता है वहाँ पे नाम दीजिए डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो जो बी डी सेगमेंट आया ना, उसका मेजरमेंट होगा अंडर रूट 9.3। किसका? ए बी डी का। अब हमको तो कौन किस पे चाहिए? नंबर लाइन पे चाहिए। हमने तो उसको हवा में बना लिया ना, तो हवा में से उसको नीचे लाएंगे। कैसे लाएंगे? अब बी पे पॉइंट रखेंगे और डी तक का मेजरमेंट लेंगे, फिर उसको यहाँ से ऐसा नीचे ले जाएंगे। देखो, बी पे पॉइंट रख दिया, डी तक का मेजरमेंट ले लिया, फिर यहाँ से उल्ट लेके आएंगे। ठीक है, और जहाँ हम नीचे लेके आए तो वहाँ पे हम उसको ई नाम लिख देंगे, ई ई हो गया। तो बी से ई तक का जो मेजरमेंट है, ये जो बी है ई सॉरी तो ये है 9.3, और बी को हम मान लेंगे ज़ीरो। बी की जगह पे यहाँ पे ज़ीरो मान लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से बी से लेके ई तक का, तो ये जो डिस्टेंस हुआ अंडर रूट 9.3 का डिस्टेंस हो गया। तो इसको ज़ीरो मानेंगे तो ई जो है वो 9.3 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, चलो उसको हम उसके एक ये लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हम पॉइंट लिख देते हैं उसके। अब जैसा जैसा हम बनाते गए ऐसा ऐसा पॉइंट लिखते जाएंगे। ओके, आपको सब याद होना चाहिए कि हमने कैसा कैसा पॉइंट लिया था। ओके, चलो सबसे पहले हमने क्या किया था, ए से बी तक का ही लिया था ना। ओके, अच्छा पहला तो ड्रॉ किया था रे, ड्रॉ रे एक्स वाई ए एक्स। ठीक है, हमने ये किया था। सेकंड में फिर क्या किया था हमने, मेक द डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। ओके, सच डेट ए बी बिकम 9.3 यूनिट्स। क्लियर, हमने ए से ऐसा एक डिस्टेंस लेना था 9.3, इस डिस्टेंस पे एक हमने पॉइंट लिया बी, जिसे ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 9.3। फिर हमने बी से आगे गए थे सी तक, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर गए थे। तो फ्रॉम बी, तीसरा पॉइंट फ्रॉम बी मार्क और डिस्टेंस 1 यूनिट है ना, डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंड मार्क अ न्यू पॉइंट, मार्क अ न्यू पॉइंट कौन सा, सी। ठीक है, चलो अब क्या किया था हमने, एसी का मिड पॉइंट ढूंढा था ना, ओ वाला है ना, तो ये लिख देते हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड मार्क द पॉइंट एज ओ। ठीक है, मतलब हमने एसी का क्या किया, मिड पॉइंट ले लिया ओ। समझ में आ रहा है सबको? चलो फिर हमने क्या किया था, यहाँ से एक सेमी सर्कल बना दिया था, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल कहाँ से बनाया था, विथ सेंटर ओ, और रेडियस कितना लिया था, एंड रेडियस रेडियस ओ ए जितना। ठीक है,
ओ से ए, या तो सी से ऐसा भी ले सकता है, ये भी दोनों सेम ही होगा। ओ सी ए ओ ले लो या तो ओ सी ले लो, सेम होगा। चलो फिर हमने क्या बनाया था, ये परपेंडिकुलर बी डी है ना, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पासिंग कहाँ से, थ्रू बी पॉइंट, एंड किसको इंटरसेक्ट करेगी, सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल कहाँ पे, एट डी पॉइंट। ये हुआ पॉइंट। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आपको? ओके, हमने एक लाइन परपेंडिकुलर बना दिया जो बी पॉइंट में से पास होता है और सेमी सर्कल को डी में इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो देन वी ऑब्टेन, हमको मिल जाएगा बी डी जिसका मेजरमेंट कितना है, अंडर रूट 9.3 यूनिट्स। ओके, फिर हम उसको कहाँ पे लेके आए, नीचे लेके आए थे ना, कहाँ पे, नंबर लाइन पे, तो वो भी लिख देते हैं कि उसको हम नंबर लाइन पे लेके आए थे, तो उसकी बात भी हम लिख लेंगे। चलो लास्ट पॉइंट ले लेंगे हम, ड्रॉ एंड आर्क विथ सेंटर बी, ठीक है, एक आर्क बनाएंगे, आर्क बनाया ना हमने, ये वाला आर्क, तो कहाँ से बनाया, बी से, एंड रेडियस कितना लिया था, बी डी जितना, एंड रेडियस बी डी विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन इन अ पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर लिया था, तो हमको मिल जाएगा देन अथवा सो ऑन नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन ओ ई इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 यूनिट्स। इज इट क्लियर, समझ आ गया फ्रेंड्स? तो इतना आपको लिखना है। अब आ गया, अब मैं उसका होमवर्क दे दूंगा, उसमें ये फिगर चेंज कर दूंगा। देखो मैंने दो कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में करवाया था, पहला भी एक कंस्ट्रक्शन हमने किया था, याद है आपको, टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ अगर आप भूल गए हो तो, ऐसा वाला, ऐसा वाला हमने किया था ना, ओ अंडर रूट 5, अंडर रूट 13 ऐसा, और यहाँ पे हमने अंडर रूट 9.3 लिया। अब दोनों में अंतर क्या है ये आप समझ लो, अभी आज जो सीखे ना उसमें फ्रैक्शन आते हैं, डेसिमल आते हैं। देखो अंडर रूट में क्या आया, 9.3, अगर अंडर रूट में 5 होता मतलब इंटीजर होता तो उस तरीके से करेंगे जो हमने पहले सीखा था, और अगर डेसिमल में आता है 10.2, 8.5, 8.7, तो ऐसा पॉइंट में जब आता है तो आपको ये करना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये आपको मैं फोटो कापी इसकी भिजवा देता हूँ। चलो अब हम बनाएंगे एक्सरसाइज 1.6 पे जाते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1.6, पहला क्वेश्चन फाइंड, वैल्यू फाइंड करना है हमको, बोलो। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 का 1/2, 64 का 1/2 पावर, ठीक है। अब सेम फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है, 2 है, डिनोमीटर में क्या है, 2, तो 64 जो है वो तो किसका 2 पावर है, किसका स्क्वायर है वो आप लिख लें। तो यहाँ पे आएगा 8 का 2 स्क्वायर, 8 इज़
64, और ये तो है ही है। तो 8 पावर का अगर पावर होता है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 2 कट जाएगा तो 8 का 1 पावर आ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, 8। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम उसका, क्वेश्चन नंबर 2, 32 का 1/5 पावर, यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है, 5, तो 32 एक किसका 5 पावर है, 2 का 5 पावर, कैसे सर, 2 × 2 × 5 है ना, 2 2 2 2, चलो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, मतलब 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो 32 मिल जाता है, इसलिए 2 का 5 पावर, 5 × 1/5, 5 कट जाएगा, 2 का 1 पावर बढ़ेगा, आएगा 2 आंसर। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, 125 का 1/3 पावर, यहाँ पे डिनोमीटर में 3 है, तो 125 जो है वो किसका 3 पावर है, 5 का 3 पावर, अब 5 को 3 बार, 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 25, 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, तो 3 पावर आ जाएगा 5 का, चलो 3 कट हो जाएगा, 5 का 1 पावर 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी फाइंड ही करना है, चलो उसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, 9 का 3/2 पावर, 9 का 3/2 पावर, अगेन हम फोकस कहाँ पे करेंगे, डिनोमीटर पे फोकस करेंगे, न्यूमरेटर में नहीं करेंगे, तो किसका 2 पावर है, 9 जो है वो किसका 2 पावर है, 3 का 2 पावर है, हो गया। चलो अभी दोनों पावर का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 × 3/2, 2 कट जाएगा, तो 3 का कितना पावर बचेगा, 3 पावर, चलो 3 का 3 पावर कितना होगा, 3 × 3 × 3 करो, 3 का 3 पावर कितना होगा, 27, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 32 का 2/5 पावर, डिनोमीटर में क्या है, 5 है, 32 किसका 5 पावर है, अभी हमने सम किया था आगे, 2 का 5 पावर, इसका 2/5 पावर, चलो क्या करेंगे, 5 × 2/5, तो 5 कट हो जाएगा, 2 का 2 पावर कितना हो जाएगा, 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, 16 का 3/4 पावर, अब यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है, 4 है, तो 16 एक किसका 4 पावर हो जाएगा, वो आप निकालेंगे, बोले 2 का 4 पावर निकाल, तो ये हो गया। चलो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 कट हो जाएगा, 2 का 3 पावर, 2 × 4, 4 × 8, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। तेरफाज फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है 125 का -1/3 पावर, 125 का -1/3 पावर, सबसे पहले तो डिनोमीटर में क्या है, 3 है, तो 125 किसका 3 पावर होगा, 5 का 3 पावर होगा, इन और इसका पावर है -1 पावर, चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 × 1/3, तो 3 कट जाएगा, तो 5 का -1 पावर हो जाएगा। अच्छा -1 पावर है, उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे 1/5, यदि यहाँ पे 5 का 1 पावर हो जाएगा, तो -1 पावर था वो डिनोमीटर में आ गया, 1 पावर हो गया, मतलब उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो अगर डिनोमीटर में और उसको न्यूमरेटर में ले जाता है तो भी उसका पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस, या माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने फाइंड नहीं लिखा, सिंप्लीफाई ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, सिंप्लीफाई, मतलब इसका परफेक्ट वैल्यू आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट, जहाँ तक सॉल्यूशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, तहाँ तक करना है, बाकी का छोड़ देना है। तो ये हो गया
टू का 2/3 इंटू 2 का 1/5 पावर। देखो दोनों में बेस सेम है और पावर डिग्री जो है डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं, डिग्री को पावर को एडिशन करते हैं। अगर डिवीजन होता है तो पावर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 2/3 पावर प्लस 1/5 पावर। चलो यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 3 15, तो हमने एलसीएम ले लिया। ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 10 और 3 1 3, तो 2 का 13/15 पावर। बस यही आपका हमारा आंसर हो जाएगा। आपको 2 का 13 टाइम्स पे उसका डिग्री नहीं निकालना है, 2 × 2 × 2 × 13 तक नहीं जाना है, राइट। और इसका रूट भी नहीं निकालना है, 15 रूट भी निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपलीफाई। यहाँ पे फाइंड नहीं लिखा है, फाइंड लिखा होता तो हमको करना पड़ता, पर हमारे लेवल में, 9th के लेवल में यह सब चीज़ नहीं करनी है। तो हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 का 3 पावर और 7 पावर। चलो पहले तो ये 3 का 3 पावर है ना, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3 का -3 पावर हो जाएगा, ठीक है। देखो न्यूमरेटर में था, सॉरी डिनोमीटर में था, न्यूमरेटर में डाल दिया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 × 7, तो -21 पावर। ऐसे तो यही आंसर चलता है, बट आपको इस माइनस आंसर अच्छा नहीं लगता है तो अगेन उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/3 का 21 पावर पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11 1/2 11 1/4। चलो यहाँ पे देखो बेस सेम है, डिग्री डिफरेंट है, पर हमको यहाँ पे डिवीजन दिया है। डिवीजन दिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 11 का 1/2 पावर -1/4 पावर। अगेन चलो 4 2 8 एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 4 2 1 2, जो टेक्निक हमने यहाँ पे किया था ना वही टेक्निक में यहाँ पे भी है। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 बचा, और जो डिनोमिनेटर में क्या बचा, अभी यहाँ पे कट होगा 2 से, बराबर 2 1 2 और 4 2 8, तो यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन पे, उसमें लिखा है 7 का 1/2 पावर × 8 का 1/2 पावर। चलो देखो दोनों में बेस डिफरेंट है बट डिग्री पावर सेम है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 7 × 8 और दोनों का होल 1/2 पावर। अब 7 8 56, इसका 1/2 पावर। अब 56 का रूट इंटेजर में नहीं आता है, पॉइंट में आता है, तो हमको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है, ओके सर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा मंडे पे, ओके। मंडे करीबन शाम को 5 बजे मैं आपको मैसेज करता हूँ बाद में उसका, तो आपको 5 बजे इसका ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें MCQ होंगे, आपको मोबाइल में ही टिक करना है, ओके। मैं सब सिस्टम आपको समझा दूँगा, सिर्फ मोबाइल में आपको MCQ टिक करना है, फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ऊपर लिखा होगा व्यू स्कोर, तो आपका स्कोर भी मिल जाएंगे, आपके कितने मार्क्स आए हैं। फिर मैं आपको आपके मोबाइल में अपने ग्रुप में सबके कितने मार्क्स आए वो सब एक सीट में भिजवा दूंगा, तो आप कंपेयर भी कर पाएंगे। आप जब टेस्ट देंगे तो टेस्ट के बाद आपको सिर्फ आपके खुद के मार्क्स पता चलेंगे, दूसरे के मार्क्स पता नहीं चलेंगे, पर मुझको मेरे लैपटॉप में सबके मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैं सीट आपको भिजवा दूंगा। तो आप इस चैप्टर को वापस प्रिपरेशन करेंगे, इसका होमवर्क मैं देता हूँ, इसका फोटोकॉपी आज मैंने करवाया, इसका फोटोकॉपी भी करवाता हूँ और मैं उसका होमवर्क भी देता हूँ, ओके। सभी सम्स आप ध्यान से देख लो, मैं MCQ में कन्वर्ट करके ये क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है आपको, ओके फ्रेंड्स। चलो गुड बाय।